3 अक्टूबर 2021 को किसान आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। हिंसा के आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्र को अदालत से जमानत मिल गई है। जी हां, अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को जमानत दे दी है। हालांकि जमानत के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को हिंसा मामले में सुनवाई तेज करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि साल 2021 में देश के कई इलाकों में सरकार बहादुर के खिलाफ किसानों का विशाल आंदोलन चल रहा था। देश के कई राज्यों में किसान आंदोलन की आग फैल चुकी थी और केंद्र सरकार से कुछ मांगों के चलते किसान प्रदर्शन कर रहे थे। इसी किसान आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को जिले में स्थित वर्णन गार्डन में कई सरकारी योजनाओं का शिलान्यास करना था। किसानों ने इसी दौरे का विरोध करने की ठान रखी थी। इसके लिए डिप्टी सीएम के काफिले के घेराव का भी प्लान था। घेराव और सफल बन सके इसके लिए अलग अलग जिलों से किसानों को भी प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया गया था। आपको बता दें कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद उन्हें नेपाल बॉर्डर से सटे तिकुनिया गांव में एक और कार्यक्रम में पहुंचना था, लेकिन स्थानीय किसानों ने ठान रखी थी कि उन्हें हर हाल में विरोध करना ही है। हालांकि ये विरोध डिप्टी सीएम के पी मौर्य से ज्यादा अजय मिश्र टेनी का था, क्योंकि किसानों की नाराजगी अजय मिश्र को लेकर थी और कारण था केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र किसानों को एक मंच से धमका चुके थे। उन्होंने कहा था कि जिस दिन मैंने चुनौती स्वीकार कर ली उस दिन गांव नहीं आपको जिला छोड़कर भागना पड़ जाएगा। अब क्योंकि डिप्टी सीएम के साथ अजय मिश्र भी आ रहे थे तो किसानों ने इसे मौके की तरह देखा। तिकुनिया के जिस महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में कार्यक्रम होना था उसी कॉलेज में किसान काले झंडों के साथ पहुंच गए। इसके बाद किसानों को जब पता चला कि वे सड़क मार्ग से आ रहे हैं तो तिकुनिया गांव की ओर जाने वाला रास्ता उन्होंने रोक दिया। इसके बाद डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री के काफिले से पहले 3 गाड़ियां गांव में पहुंची। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने आरोप लगाया कि गाड़ियों ने सड़क पर खड़े किसानों को देखने के बाद भी तेजी से गाड़ी भगाई और किसानों को रौंद दिया। इसमें 4 किसानों की मौके पर ही मौत हो गई थी और घटना के दौरान 1 संवाददाता भी मारे गए। गाड़ी की टक्कर से वे पास के पानी में जा गिरे थे। इसके बाद हिंसा ने जोर पकड़ा और किसानों ने गाड़ी को पलटा कर आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई थी। इसके वीडियोस भी खासे वायरल हुए जिसमें हिंसा का मंजर रिकॉर्ड हो गया। मामले में मंत्री के बेटे को 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ट्रायल कोर्ट कितनी जल्दी इस केस में सुनवाई करती है और मामले में कब फैसला आता है ये देखना अहम होगा।